तो नेक्स्ट सॉप टॉपिक इन डीएनए सीक्वेंसिंग इज मेथड्स। तो हम मैथड्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन तो मैथड जो है डीएनए सीक्वेंसिंग के उनको हम दो टाइप uh, में डिवाइड कर सकते हैं बेसिक मेथड्स और एडवांस मेथड्स। जनरली जो बेसिक मेथड्स होते हैं दे आर यूज टू सीक्वेंस स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स इसके बरक्स जो एडवांस मैथड्स होते हैं क्वेंस लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स विच रेंज फ्रॉम टू थाउजेंड बेसपेयर्स टू ट्वेंटी थाउजेंड बेसपेयर इसके मुकाबले में जो बेसिक मेथड होते हैं जो छोटे डी एन ए मॉलिक्यूल होते हैं उनको सीक्वेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं बेसिक मैथड जो है जनरली दो होते हैं मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग मैथड और दूसरे नंबर पर चेन टर्मिनेशन जिसको हम सेंगर मेथड भी कहते हैं जो एडवांस मेथड्स हैं जो कि बड़े डीएनए मॉलिक्यूल्स को सीक्वेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं इनमें शॉर्ट गेन सीक्वेंसिंग मैथड है और फिर ब्रिज मैथड है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मैथड एज ए नेम इंडिकेट दिस मैथड वॉज डिवेलप बाय एलन मैक्सम एंड वॉल्टर गिलबर्ट इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन एंड इट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लोटाइड स्पेसिफिक क्लीवेज बाय वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्सडी सो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर केमिकल्स को यूज करते हुए क्लीवेज की जाती है और उसी बेस के ऊपर जाहिर है इसको क्लीवेज मैथड भी कई दफा कहा जाता है इट इज यूज टू सीक्वेंस पोलिमल्स स्मॉलर दैन फिफ्टी बेस पेयर्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो दो मैथड है मैक्सिमम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग मैथड सिंगल मेथड ये छोटे मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है सीक्वेंस करने के लिए इट यूजेस रेडियो लेबलिंग एट फाइव प्राइम एंड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट टू बी काइनेज रिएक्शन हम फाइव प्राइम एंड के ऊपर जो रेडियो लेबलिंग एक रेडियो आइसोटोप है उसको यूज करते हैं और केमिकल क्लीवेज ऑफ डीएनए स्टैंड एट स्पेसिफिक साइड प्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट्स किस तरह जैसे यहां केमिकल्स हैं डाइमिथाइल सल्फेट और हाइड्राजीन जब हम इनको यूज करते हैं तो इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर क्लीवेज करके स्पेसिफिक जो फ्रेगमेंट होते हैं डीएनए के प्रोड्यूस करते हैं जैसे जो डायमिथल सल्फेट है ये यानी एडेनिन और गुआनिन पे क्लीवेज करेंगी और जाहिर है उसके अकॉर्डिंगली फ्रेगमेंट बनेंगे और आइडाजीन है इसके मुकाबले में साइटोसिन और थामिन पे क्लीवेज करती है और उसी तरह अकॉर्डिंगली उस तरह के जो फ्रेगमेंट है वो बनते हैं डायग्राम में देखा जा सकता है एंड पे रेडोएक्टिव तो जो आइसोटोप है वो यूज करते हैं जैसे नॉर्मली फॉस्फोरस थर्टी टू और अगर आप डायमिथाइल सल्फेट को यूज करें तो जाहिर है जो क्लीवेज होगी उससे या एडेनिन प्लस गोनिन ये इकट्ठे क्लीवेज होके या गोनिन के पॉइंट के ऊपर क्लीवेज होके तो ये इसका जो फ्रेगमेंट है वो बनेंगे इसी तरह अगर हम हाइड्रोजीन यूज करें तो हाइड्रोजिन चूंकि साइटोसिन और थाइमिन पे क्लीवेज करती है अकॉर्डिंगली साइटोसिन के लिए साइटोसिन और थामीन इकट्ठे होके इस तरह के जो सेगमेंट है फ्रेगमेंट है वो प्रोड्यूस करते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को साइज की बेस के ऊपर हम थ्रू एग्रोस इलेक्ट्रोफेसिस सेपरेट कर लेते हैं और फिर उनका जो सीक्वेंस होता है वो फाइंड आउट किया जा सकता है और नीचे डायग्राम में उन्हीं के बेस के ऊपर जो सीक्वेंस है वो देखा गया है कि पहला न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन है दूसरा थाइमीन है और नीचे से तीसरा एडनिन है इसी तरह से बाकी न्यूक्लियोटाइड so, जो है सो जो फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होते हैं उनको के जरिए सेपरेट करके साइज डीएनए फ्रेगमेंट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लीवेज आईदर एट गोअनिन एडनिन गोन साइड और साइटोसिन साइटोसिन एंड थान टूगेदर और ये जो फ्रेगमेंट्स डिफरेंट साइज के प्रोड्यूस होते हैं इनको हमने पहले भी डिस्कस किया कि जेल इलेक्ट्रोफेसिस एग्रोजेल इलेक्ट्रोफेसिस के मैथड से हम सेपरेट करके तो हम देख सकते हैं कि अब रेडोक्टिवली लेबल्ड जो फ्रेगमेंट uh, है वो कितना बड़ा है और उसके मुताबिक उनको ऑर्डर करके हम उनका जो सीक्वेंस होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं प्योरिफाइड डी एन ए में बी यूज डायरेक्टली इन मैक्सम गिलबर्ट सिक्वेंसिंग मैथड زهره یې ځکی اډوانټیج دی